नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। शोहदे का शूटआउट, ये सबक है हर उस शख्स के लिए जो बेटियों पर रखता है अपनी बुरी नजर, क्योंकि अब बेटियों को बुरी नजर से देखने वालों का होगा वही हश्र जो कानपुर में पवन राजपूत का हुआ। वही पवन राजपूत जिस पर आरोप है एक बेटी को सुसाइड के लिए मजबूर करने का। वो बेटी जीना चाहती थी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन दबंगों ने उसके हर अरमान पर पानी फेर दिया और अब मिली है उन दबंगों को उनके कर्मों की सजा। गौर से देख लीजिए इस शख्स को। ये शख्स कानपुर का वो तीसरा कातिल है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया और अब ये अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। पवन, यही नाम है इस शख्स का जिसकी वजह से कानपुर के बिधनू में एक छात्रा ने मौत को गले लगा लिया था। यही वो शख्स जिस पर आरोप है उस छात्रा को सुसाइड के लिए मजबूर करने का। वजह है इस कातिल की वो हरकतें जिससे तंग आकर कानपुर की छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। दो अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया व तीसरे अभियुक्त के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इसमें इस तरह के अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं कि इन अभियुक्तों द्वारा पीड़िता को पूर्व में भी परेशान किया गया हो या पुलिस को सूचित किया गया हो। इस तरह के कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं। FIR पंजीकृत की गई है, इसकी निष्पक्ष कार्रवाई कराई जाएगी। सुना आपने, छात्रा के सुसाइड के वक्त किसी को इस बात का यकीन नहीं था कि पवन ने अपने साथी अनुज और गोपाल के साथ मिलकर छात्रा से छेड़खानी की है। लेकिन अनुज और गोपाल की गिरफ्तारी होते ही पुलिस का दिमाग बदल गया और फिर शुरू हुआ कानपुर पुलिस का मिशन पवन। जब इसमें मजीद बयान लिए गए तब इसमें कुछ और धाराओं की वृद्धि हुई थी। ये धाराएं थी 354 ख व 7/8 पोक्सो एक्ट, इसके अलावा 506 के बीच में बढ़ोतरी हुई थी। इसमें पता चला कि इस व्यक्ति ने, पवन ने, मृतका की मां को धमकाया भी था और इसमें किसने किसी तमंचे का प्रयोग किया था, इसके माध्यम से उसने महिला को धमकाया था। कानपुर के बिथुनी थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ से परेशान हो नाबालिग के सुसाइड करने के मामले में पुलिस ने पहले तो छेड़खानी की बात से इनकार किया, लेकिन तेजी दिखाते हुए 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि शुरुआती दौर में छेड़खानी की घटना को मना करने वाली पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज किया और तत्काल प्रभाव से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, तो वहीं पूछताछ में ये बात सामने आई कि आरोपियों के द्वारा लगातार छात्रा को परेशान किया जा रहा था, साथ ही साथ घर वालों को धमकी भी दी जा रही थी। देर रात आरोपियों के द्वारा धमकी में प्रयुक्त असलाहा बरामद करने के दौरान अब आरोपी जो है वो भागने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते पुलिस उनको हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार करती है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है, लेकिन जो सवाल हैं वो कई खड़े होते हैं कि शुरुआती दौर में जिस घटना को पना किया जा रहा था, देर रात उसी घटना पर पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। हालांकि जो आरोपी हैं वो अब गिरफ्त में हैं, लेकिन पुलिस को कोई सख्त कार्रवाई करनी होगी जिसके चलते अपराधियों के हौसले पस्त हो सकें और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। जैसे ही पुलिस पवन की गिरफ्तारी के लिए पहुंची, रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए पवन राजपूत ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और देखते ही देखते पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली पवन के पैर को चीरती हुई निकल गई। फिर पुलिस की गिरफ्त में आया ये शातिर पवन राजपूत, जिस पर आरोप है एक छात्रा को सुसाइड के लिए मजबूर करने का। जब इस व्यक्ति पवन से इस तमंचे की बरामदगी के लिए ले जाया गया उसको, तब उसने रात का फायदा उठाते हुए वहां से भागने का प्रयास किया व उसी तमंचे से पुलिस पार्टी पे फायर भी झोंका। इसमें जवाबी कार्रवाई थाना बिंदु पुलिस द्वारा की गई, जिसमें ये अभियुक्त पवन, इसको पैर में गोली लगी और ये घायल हो गया। इसको उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। इसमें दरअसल बिथुनी थाना क्षेत्र के न्यू आजाद नगर में रहने वाली एक छात्रा ने पवन राजपूत और उसके साथियों पर आरोप लगाया था छेड़खानी का,
जानकारी के मुताबिक 27 जून को उस छात्रा ने सुसाइड किया था। बिटिया को 3-4 महीने से यहाँ छेड़ रहे थे और का नाम जो है गेट के अंदर कई बार उन लोगों ने घुसने की कोशिश की, लेकिन जो उनको मौका नहीं मिलता था। अब कल जब लड़की गई मेडिकल दवा लेने, बस उसी में उन लोगों ने रास्ते में दबोच लिया है। वहीं लोगों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो बिटिया ने वहाँ से धक्का मकाना वहाँ से प्राण बचाते वहाँ तक आई, फिर उन लोगों ने मारते यहाँ लेकर आए। उनको मौका नहीं मिला साहब, उतने में यहाँ पर आए, हमको भी मारा पीटा। उन्होंने मौका देखते थे उसको पकड़ने, 2-4 बार पकड़ा हुआ है और उसको जो छेड़खानी की कोशिश इतनी की है उन लोगों ने, ये बगल में ही घर रहता। क्या बेटी बताती थी आपको? परिवार का आरोप था कि ये तीनों उस छात्रा को आए दिन परेशान करते थे, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया। आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये मामला था क्या। बिधनू थाना क्षेत्र के न्यू आजाद नगर में रहने वाले मजदूर की 8वीं में पढ़ने वाली लड़की से क्षेत्र के 3 दबंग अनुज, गोपाल और पवन छेड़छाड़ करते थे। आरोप था कि पिछले 3 महीने से वो लगातार लड़की को परेशान कर रहे थे। शनिवार को मेडिकल स्टोर से वापस लौटते वक्त तीनों ने उसे पकड़कर खींचने का प्रयास किया। विरोध करने पर उन्होंने छात्रा को जमकर पीटा और पीटते हुए उसके घर तक लेकर गए, जहाँ विरोध करने पर उन्होंने पीड़िता और उसकी मां को असलहा दिखाकर धमकी भी दी। कानपुर में एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। दरअसल सौदों की छेड़खानी से परेशान एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुद को मौत के गले लगा लिया, तो वहीं पीड़िता के परिजनों के द्वारा नामजद मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन शुरुआती दौर पर पुलिस पूरे मामले को सिरे से नकारती रही। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। अब बात होगी चकिया गांव के उस लाल इश्क की, जिसने रिश्तों की हदों को पार किया था। ये कहानी है एक सिर्फ आशिक की, एक सन की प्रेमी की, जिसने अपने सिर पर सवार गुस्से को गोलीकांड में तब्दील कर दिया और संभल के चकिया गांव में अपने प्रेमिका को दिन दहाड़े गोली मार दी। उसके बाद अपनी जिंदगी को भी उसने खत्म कर दिया। इसने पहले लड़की की गोली मारी प्रियंका के, फिर अपने मार ली। भाई इतनी बात हुई, कवा सुनी कुछ नहीं हुई, बस इतनी सी बात और मार ली गोली। खेतों के बीचों बीच हुई खौफनाक कहानी को बयां करने वाली ये वही चश्मदीद है, जिसने संभल के चकिया गांव में अपनी आंखों से देखा है लाल इश्क का खूनी खेल। चकिया गांव में लाल इश्क का खूनी खेल। आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद 2 तस्वीरें उन किरदारों की हैं, जिनकी कहानियां चकिया गांव की फिजाओं में दहशत बनकर फैली हुई हैं। गांव में फैली हुई कहानियों के मुताबिक तस्वीरों में नहर किनारे मौजूद है सुदेश और अस्पताल में है उसकी प्रेमिका। सनकी ने प्रेमिका को गोली मारकर की आत्महत्या। दिमाग को सन्न कर देने वाली लाल इश्क की ये खौफनाक कहानी संभल से सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक पागल प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मार दी, फिर उसी तमंचे से अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। चाचा भतीजी के बीच सामने आई प्यार की कहानी। संभल में लाल इश्क की सनसनीखेज वारदात के पीछे सामने आ रही है एक रिश्ते को कलंकित करने की दास्तां। रिश्ता जो सुदेश का अपनी भतीजी से था, रिश्ता जिसमें सुदेश ने अपनी हदों को पार किया। गांव वालों के मुताबिक रिश्ते में सुदेश उस युवती का चाचा लगता था, लेकिन दोनों के बीच मोहब्बत की कहानियां गांव में अरसे से फैली हुई थी। सुदेश ने पहले लड़की की गोली मारी प्रियंका के, फिर अपने मार ली। भाई इतनी बात हुई, कवा सुनी कुछ नहीं हुई। इश्क के चर्चे तो हजार थे, लेकिन इस बीच दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें भी सामने आई। माना जा रहा है कि सुदेश का उसकी प्रेमिका से कुछ विवाद हुआ था और उसी विवाद के पीछे उसकी नाराजगी एक गुनाह में तब्दील हो गई। और जब प्रियंका साथ की लड़कियों के साथ खेत पर धान की रोपाई कर रही थी, तभी सुदेश भी वहां पहुंच गया और उसने प्रियंका के सीने में गोली दाग दी।
सरेआम हुए इस गोलीकांड से वहां मौजूद लोगों में भी दहशत फैल गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सुदेश ने अपने सिर पर तमंचा रखकर जिंदगी को खत्म कर लिया। किसने पहले लड़की की गोली मारी प्रियंका के, फिर अपने मार ली भाई? इतनी बात हुई, कवा सुनी कुछ नहीं हुई? सुना आपने, युवती खेतों पर गांव की लड़कियों के साथ धान की रोपाई करने गई थी। तीनों लड़कियां काम कर रही थी कि इसी दौरान चकिया गांव में रहने वाला एक शादीशुदा युवक हाथ में तमंचा लहराता हुआ लड़कियों के पास पहुंचा और बिना कुछ कहे सुने युवती पर देसी कट्टे से फायर झोंक दिया। युवती को गोली मारने के बाद सुदेश ने खुद को भी गोली मार ली। ये मजदूरी में धान बोने के आए थे अपने अन्य मजदूरों के साथ, वही इसका एक पारिवारिक चाचा है सुदेश तमंचा लेकर आया। पहले गोली इसको लड़की प्रियंका को उसने मारी और दूसरी गोली अपने मारी है। दोनों को मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की हेल्प से उनके लोग अमरोहा हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे इलाज के दौरान सुदेश की मृत्यु हो गई है। एक सन की आशिक ने एक तरफा प्यार में प्रेमिका को गोली मार दी और बाद में खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस वारदात ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। वहीं पुलिस के सामने खड़े कर दिए हैं कई सवाल जिनको सुलझाने के लिए जांच जारी है। तफ्तीश की जा रही है, जो भी फैक्ट होंगे तथ्य होंगे सामने लाए जाएंगे। हत्या के कारण क्या रहे, कैसे है, पारिवारिक है, वैसे चाचा भतीजी है आपस में जो पारिवारिक रिश्ता है। सर कारण क्या था इसका गोली मारने का? अभी तथ्यों की जांच की जा रही है, एग्जैक्ट क्या है। प्रारंभिक विवेचना में जैसे भी फैक्ट कलेक्ट होंगे वो अवगत कराए जाएंगे। लाल इश्क की ये खौफनाक वारदात गांव में हर किसी के लिए उलझी पहेली बनी हुई है। इसके पीछे की वजह है रिश्तों के पीछे खेले गए इश्क का खेल, जिसकी कलंक कथा कभी भुलाई नहीं जा सकती। बाराबंकी जिला, जहां पर अपराधी खुलेआम खाकी को चुनौती दे रहे हैं, यहां पर चल रहा है कानून के रखवालों और अपराधियों के बीच आंख मिचौली का खेल जिसमें अपराधी अब पुलिस पर ही भारी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि यहां पर दिन दहाड़े एक बार फिर खेला गया है खूनी खेल, और इस बार जमीन की खेती को लेकर यह पूरा का पूरा बवाल हुआ, जिसमें एक पुजारी को दबंगों ने मौत के घाट उतार दिया। आँख से निकलते हुए आंसू और जुबान से निकलते हुए अंगारे गवाह हैं बाराबंकी में उस खौफनाक वारदात की, जिसमें इस मासूम के सिर से पिता का साया छीन लिया। वो अपराधी खुलेआम आए और इस मासूम को अनाथ कर फरार हो गए।
का अपनी फसल को लेकर के एक गांव के ही व्यक्ति से विवाद हुआ था और ये जमीन मंदिर की थी, इसमें उड़द बोई गई थी और ये मृतक ने ही उड़द बोना बताया जा रहा है, लेकिन जब फसल काटी गई तो उसमें गांव के एक व्यक्ति ने अपना दावा प्रस्तुत किया, उसके लेकर के इनका वाद विवाद हुआ और उसी पर जो है कारण से ये आज यहाँ इसरौली क्षेत्र में जिसने विवाद किया था उसने मृतक को जो है गोली मार दिया जिसमें इनकी डेथ हो गई है। FIR की कार्रवाई की जा रही है, पंचायतनामा भर करके और पोस्टमार्टम हेतु मृतक का शव भेजा जा रहा है। सही सुना आपने, पुलिस का कहना है कि ये मामला एक छोटे से खेत पर होने वाली फसल से जुड़ा हुआ है जो मंदिर के परिसर में आने वाली जमीन पर बोई जाती है। उस जमीन को लेकर गाँव के दबंग अपना हक बताते आए हैं। हत्याकांड का आरोप गांव के ही दबंग और रसूखदार शख्स संदीप पर है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे की वजह खेत में खड़ी फसल है जिस पर संदीप अपना हक जताता रहा था। इसी वजह से कार सवार बदमाशों ने विक्रम सिंह को निशाना बनाया और सरेआम हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए। बाराबंकी जिले में एक के बाद एक वारदातों से कोहराम मचा हुआ है। अपराधियों में पुलिस का खौफ जरा सा भी नहीं है। लोग दिन दहाड़े दूसरे को गोली मार दे रहे हैं और खुलेआम कानून के रखवालों को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए किस भाषा में जवाब देती है। सतीश कश्यप, बाराबंकी, ABP गंगा। अब एक छोटे से